हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कंचन देसी खाने में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं दोपहर की थाली की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार हुई है। इसके लिए आधा केजी से थोड़ी सी ज़्यादा चना दाल लिए हैं और उसे ओवरनाइट फुलो करके डाल दिए थे, तो अच्छे से फूल गए हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए अच्छे से धो करके 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धोना है। उसके बाद यहाँ पर मिक्सी में डाल देते हैं और थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बना लेते, देखिए इस टाइप से। और दूसरी बार जो चना बच गई है उसे भी इसमें मिक्सी जार में डाल लेते हैं और रख करके इसी तरफ से दरदरा पेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि इसका कचरी बना करके तब इसका ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी। तो इस तरह से दरदरा ही पेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगती हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारे यहाँ की रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सड़े चने दाल को अच्छे से दरदरा पेस्ट बना लिए थे और उसके बाद इसमें डालने के लिए कुछ हरी मिर्ची डाल लेते हैं, अदरक लहसुन और कच्चा जीरा इसमें मिक्सी जार में डाल देंगे, थोड़ी सी गोल मिर्च डाल देंगे और सभी का दरदरा पेस्ट बना लेते हैं। आपके इधर चने दाल की सब्जी किस टाइप से बनता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने अदरक को छोटे छोटे पीस में काट के इसमें डाल लेते हैं। अगर बड़े पीस इसमें डालेंगे ना तो अदरक को फाइन पेस्ट नहीं बनती है, वो मोटा मोटा रह जाता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे काट के हमने डाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसे थोड़ा सा ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। और इसमें थोड़ा सा आधा ही डालेंगे, आधा हमने ग्रेवी में डालने के लिए रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। उसके बाद इसे डाल देते हैं साइड में और यहाँ पे प्याज को छील ले करके और छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। इसका थोड़ा सा लंबे लंबे रहेगा और लंबे लंबे में और महीन महीन थोड़ा सा प्याज को काटना है। तो यहाँ मैंने प्याज को अच्छी तरह से पूरे छील करके यहाँ पे धो लिए हैं और धोने के बाद इसे इस टाइप से लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे और महीन महीन पीस में काटेंगे। थोड़ा काटने के बाद इसे और इस तरह से हाथ से इसको मैश कर देंगे ताकि ये इसका जो फर होता है ना अलग अलग फैल जाए और इसे कचरी में मिलाने में बहुत ही इजी हो जाती है। साथ ही में सारे प्याज काटने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हरी मिर्ची को भी काट लेंगे। ज़्यादा हरी मिर्ची नहीं इसमें यूज कर रहे हैं ताकि बच्चे लोग भी खाएंगे, इसीलिए ज़्यादा हम नहीं हरी मिर्ची डाल रहे हैं, 3 से 4 काफ़ी है। तो इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची को काट करके डाल देंगे। मिर्ची को ना बहुत ही मेन मेन पीस काटेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा तीखापन आ जाए और बच्चे देख कर भी अच्छे से खा भी ले, ताकि वो बच्चे को दिखे नहीं उसमें मिर्ची। तो इस तरह से मेन मेन पीस सारे को काट लिए है। उसके बाद धनिया पत्ता को भी काट लेते हैं, इसे भी हम अच्छी तरह से बारीक इस तरह से पीसेस काट लेंगे, बारीक बारीक काटनी ही है ताकि उसमें चने दाल में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने धनिया पत्ता लिए है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसीलिए ज़्यादा थोड़ा यूज किए हैं, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारे धनिया पत्ता को इसमें पेस्ट में डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्याज जो कटिंग किए थे उसे भी इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा प्याज ग्रेवी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि जो पेस्ट बनाया था ना उसमें इतना प्याज लग जाएंगे, तो इतना प्याज काफ़ी है इसमें। तो उसके बाद यहाँ पे मसाला डाल देते हैं। मसाले में मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। साथ ही में थोड़े से जमाइन को इस तरह से हाथ पे मसल के क्रश करके डाल देते हैं। उसके बाद कच्चा जीरा थोड़ा सा डाल देंगे। उसके बाद इसे ऊपर से थोड़ी सी प्याज सहित और धनिया पत्ता सहित मिलाएंगे। अभी चने दाल को पूरे अच्छे से पूरे को मिक्स नहीं करनी है, मसाले को प्याज में अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद सारे पेस्ट को हम मिला देंगे। साथ ही में यहाँ पे हमने गरम मसाला डाल देते हैं और थोड़ी सी जीरा पाउडर भी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे कटी हुई मिर्ची जो थे वो भी डाल देते हैं, पहले कटी हुई मिर्ची नहीं डाले थे ताकि हाथ में ज़्यादा लगे नहीं। तो सारा पेस्ट अगर बन जाए तब उसके बाद मिर्ची मिला, तो सभी को रख करके अच्छे से मिला दिए हैं।
उसके बाद गैस पे कढ़ाई डाल देते हैं। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करके इसमें सरसों का तेल ऐड कर देते हैं। ये कचरी ना सरसों का तेल में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आती है। आप चाहे तो कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल में बहुत अच्छी टेस्ट आती है। तो तेल को अच्छी तरह से पहले गर्म होने दें। गर्म होने के बाद इसमें सभी को इस तरह से एक एक करके हम तल लेते हैं। इसको सिर्फ हल्के हाथों से इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा करके डालना है। इसमें कोई शेप नहीं बनानी है, ये ना तो इसे ज़्यादा चपटा करके डालना है। अगर इस टाइप से रखेंगे ना थोड़ा फैला फैला करके, तो ज़्यादा यहाँ पे कुरकुरे बनेंगे। ये तो इसमें कोई शेप नहीं देनी है। आप इस तरह से बनाएंगे ना तो इतने कुरकुरे बनेंगे कि आप इसे सॉस चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और सब्जी के लिए थोड़ा सा नॉर्मल ये सॉफ्ट ही रहती है ना, ज़्यादा तेल रख के भी नहीं तलते हैं, तो उसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे पकौड़े के लिए थोड़ा सा ज़्यादा तेल रख करके इसे क्रिस्पी और कुरकुरे वाली बना करके निकाल लेते हैं। उसके बाद कम तेल बचेगी ना तो उसमें कचरी को तल लेंगे और उसमें ग्रेवी लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा बनती है। उसके बाद यहाँ पे चावल को भी बना लेते हैं। इसके लिए चावल जितने लगते हैं उतने रख लिए हैं। सभी को अच्छी तरह से धो लेंगे चावल को और पानी रख करके गैस पर चढ़ा दिए। जब तक चावल पक रहे हैं सारे पकौड़े भी इधर निकल रहे हैं और उधर चावल भी बन रही है। तो एक से दो बार यहाँ पर बना करके हमने कचरी को रेडी कर लिए थे। देखिए कितनी बढ़िया और कुरकुरे बने हुए हैं। अभी ठंडी का मौसम भी है तो आप इस तरह के पकौड़े ठंडी में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इस तरह के पकौड़े आराम से बना के खा सकते हैं घर पे। इसीलिए हमने सोचा चलो आज पकौड़े भी हो जाए और पकौड़े का बनाकर सब्जी भी बना लेते हैं। दोपहर के खाने भी हो जाएंगे और खाने में सिर्फ चावल और सब्जी रखे हैं और साथ में पकौड़ा भी रहेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मसूर के दाल को भी इस तरह से कचरी बना करके सब्जी बना सकते हैं। मसूर दाल हो गया और साथ ही में मूंग का भी दाल को भी वैसे बना के खा सकते हैं। बहुत ऐसा चीज़ आता है जो इस तरह से सब्जी बनाकर खा सकते हैं आप। तो देखिए कितनी क्रिस्पी और कुरकुरे बने हुए हैं। तो साथ ही में अब चलिए सब्जी को बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिए थे और इसमें तेल को ऐड कर दिए हैं। तेल गर्म हो जाएगी तो इसमें फ़ोरन डालेंगे। फ़ोरन में हमने जीरा डाल दिए है, दो ठो बड़ी इलायची को क्रश करके डाल दिए है। आप चाहे तो यहाँ पे दालचीनी, तेजपत्ता, सूखी मिर्ची ये सब फ़ोरन आराम से दे सकते हैं। सारे फ़ोरन ब्राउन हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे प्याज और हरा मिर्ची को ऐड कर देते हैं और सभी को अच्छी तरह से मिला करके थोड़ी सी सॉफ्ट कर लेनी है। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर ये मसाला के अकॉर्डिंग हमने डाल देते हैं। उसके बाद जो पेस्ट बचाई थी वो पेस्ट को हमने डाल देते हैं और यहाँ पे धनिया पाउडर भी डाल दिए हैं और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। साथ ही में मसाला को ढक करके कुछ देर पका लेते हैं। इधर चावल भी बनकर रेडी हो गई थी, देखिए ये पक गई है चावल, तो इसे हम बसा लेते हैं। तो उसके बाद चलिए मसाला को देख लेते हैं। तो मसाला थोड़ी सी भून गई थी तो इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं। उसके बाद सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स करके कुछ देर और पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी सी ढककर ही रखेंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। जो प्याज जो बची है ना वो गल जाए अच्छे से। देखिए कितना बढ़िया मसाला बनके तैयार हो गई है। उसके बाद इसमें जितने पानी रखने हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने पानी डाल देते हैं। ग्रेवी को थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही रखेंगे, गाढ़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें ये जो पकौड़े डालेंगे ना, पकौड़े या कचरी डालेंगे तो ये बहुत पानी सोख लेती है, तो इसका ग्रेवी जो है ना उसमें अच्छी तरह से सोख लेगी। तो इतना ग्रेवी काफ़ी है। तो इतना डाल करके सारे पकौड़े को डाल लिए थे, सब्जी बनके रेडी हो गई थी। पकौड़े डालने के बाद 2 मिनट तक इसे धीमी आंच पे या मीडियम आंच पे पका लेनी है। तो सब्जी भी बनकर रेडी हो गई थी। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे हमने थाली लगा लेते हैं। थाली में हमने यहाँ पे पहले से चावल निकाल लिए थे और यहाँ पे सब्जी को डाल लेते हैं और जो पकौड़े बनाए थे ना वो भी डाल लेते हैं और इसके साथ हरी मिर्ची भी बहुत ही अच्छी लगती है तो हरी मिर्ची भी डाल लेते हैं। तो सब्जी का कलर कितना बढ़िया दिख रहा है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर दिख रहा है और बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।